प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एग्री गुरु आरके पर स्वागत है। और देखो प्रिय विद्यार्थियों, बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो ये होमवर्क दिया जा रहा है, अध्यापक साथी जो आपको होमवर्क देते हैं तो उसको बहुत ही कम विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्योंकि हमने पता चलता है इस वीडियो के माध्यम से कि वे कितने विद्यार्थियों ने ये सिलेबस पढ़ा देखा है। तो देखो, ये मैंने कई बार बता लिया कि जो तुम्हारे असेसमेंट के नंबर लगेंगे या फिर जो तुम्हारा वार्षिक परिणाम होगा तो इन्हीं के आधार पर होगा, और जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे उनको काफी नुकसान हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो देखते ना इन्हें सभी विद्यार्थियों को कि वह सभी अध्यापक का काम भली बातें करें, और ये प्रधानाचार्य जी का या एक प्रकार से क्या ले लो ऑर्डर है, आदेश है कि जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे ना तो उनको काफी नुकसान होने वाला है स्कूल खुलने के बाद। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इन बातों को थोड़ा सीरियस ले लो, प्रत्येक अध्यापक का काम करो। और मेरी भाषा के अनुसार है कि जब जैसे स्कूल खुलेगा और जो ये काम करने वाले विद्यार्थी हैं इनको शाबाशी मिलेगी, और जो विद्यार्थी काम नहीं करते तो उनको काफी कठिनाई हो सकती है। तो अब सिलेबस करते हैं अपना। आज का हमारा विषय क्या है? बहुफसली खेती। देखो ये काफी महत्वपूर्ण विषय है। नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं के जो विद्यार्थी है ना, कृषि ले रहे, जो एग्रीकल्चर वाले, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण विषय है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ा करो। तो पहले पढ़ते हैं बहुफसली खेती की परिभाषा क्या है। क्या परिभाषा है? जब किसान एक खेत में एक वर्ष की अवधि में दो या दो से अधिक फसलें पैदा करता है तो इस प्रकार की खेती को बहुफसली खेती कहते हैं। अर्थात जब किसान एक साल में एक ही जमीन पर कई प्रकार की फसलें उगाता है तो उसको बोलते हैं बहुफसली खेती, और उससे किसान को काफी लाभ होता है। देखो इसमें उदाहरण दिया गया है, जैसे हमने भाई खरीफ में धान लगाए, धान के बाद फिर गेहूं, गेहूं कटने के बाद उसी जमीन के अंदर मक्का बो दिया, मक्का कटने के बाद आलू, आलू के बाद तंबाकू, और उसी प्रकार फिर धान। यानी कि एक साल में हमने एक ही जमीन पर पांच प्रकार की फसलें उगा ली तो उसको बोलते हैं बहुफसली खेती। अर्थात एक साल में एक ही जमीन पर कई प्रकार की फसलें उगाना जिससे किसान को काफी मात्रा में आर्थिक लाभ हो। अब उसके बाद प्रश्न उठता है कि वह मूल जरूरतें, यानी कि यदि हमने एक साल में कई प्रकार की फसलें ले ली है जमीन से तो उसके लिए आवश्यकता क्या क्या है, क्या क्या जरूरतें हैं। तो पहली जरूरतें है कि भूमि में सिंचाई की मात्रा अधिक होनी चाहिए। देखो भाई, जहां पर सिंचाई का प्रबंध नहीं है तो किसान एक साल में कई फसल नहीं ले सकता। तो नंबर एक है सिंचाई होनी चाहिए। सिंचाई का मतलब शुद्ध मीठा पानी होना, तो ये प्रबंध अति आवश्यक है सिंचाई का। दूसरा, खेती के सभी यंत्र होने चाहिए। देखो प्रिय विद्यार्थियों, भाई यदि किसान के पास पूरे यंत्र नहीं होंगे तो एक साल में वो कई फसल पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए कई प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है। नंबर तीन है, कृषि कार्य हेतु मजदूर होने चाहिए। देखो किसान है, जब कई फसलें लेगा तो मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी। मान लो सब्जी खेती करनी है, बागवानी करनी है, या फिर दूसरी दलहन तिलहन खेती करनी है, तो उसमें मजदूरों की आवश्यकता होती है, तो उस स्थान पर मजदूर उसे मिलने चाहिए। उसके बाद है बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयां उचित मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। किसान को ये ज्ञान होना चाहिए भाई कौन सी फसल के लिए कीटनाशक दवाई कौन सी है, उसमें सिंचाई कितनी करनी है, कौन सा उर्वरक या खाद डालना है। इस प्रकार का किसान को पूरा ज्ञान होगा तो एक साल में कई फसल उगा सकता है। और ये किसान को बहुफसली खेती का पूरा ज्ञान होना चाहिए। देखो जब तक किसान को खेती का ज्ञान पूरा नहीं होगा तो वो एक साल में कई फसल बिल्कुल पैदा नहीं कर सकता। तो उसका पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए किसान को कि वह एक साल में एक ही जमीन पर कई प्रकार की फसलें कैसे पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के टॉपिक को ध्यान ध्यान बार बार पढ़ो ध्यान से।